Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी तो मैं अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर की वीडियोस वगैरह देखता था, तो उनकी वीडियोस का मुझे वो पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था जिसमें स्लोमो के साथ म्यूज़िक ऐड करते थे। लेकिन उस वक्त मुझे पता नहीं था कि इस पार्ट को कहते क्या हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ फिर मुझे पता लगा कि इसको हम बीरोल कहते हैं। जब कभी भी हम कोई वीडियो शूट करते हैं, लाइक व्लॉग, डॉक्यूमेंट्री या कोई शॉर्ट फिल्म, तो इन सब वीडियो प्रोजेक्ट्स के लिए हम एक एक्स्ट्रा फुटेज, मतलब डिफरेंट एक्स्ट्रा फुटेजेस हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको हम कहते हैं बी रोल। को एक मिनट समझाता हूँ। जब भी तुम कोई व्लॉग बनाते हो तो कैमरे के सामने फेस टू फेस बात करने के अलावा तुम अपनी वीडियो के अंदर स्लोमोज ऐड कर रहे होते हो, या इसके अलावा कोई एस्टेब्लिशमेंट शॉट्स वगैरह, तो जो चीज़ तुम कैमरे के सामने बोल रहे हो फेस टू फेस उसको हम कहते हैं ए रोल, और अगर कोई डिफरेंट शॉट्स अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं बी रोल। सो दिस इज़ द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ए बी रोल। अब बात करते हैं प्रोसेस की। जब मुझे पता लग गया कि इस चीज़ को बी रोल कहते हैं, स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन इट और इसकी एक एक चीज़ को डिटेल में देखना शुरू किया कि इसको बनाते किस तरह हैं, और इसको बनाने के लिए और इसको अच्छा बनाने के लिए कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो ये सारा कुछ मैंने सर्च करना शुरू कर दिया। सो दिस प्रोसेस इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। अब इसका यह मतलब नहीं है कि ये प्रोसेस मैंने किसी जगह से सीखा है या किसी और को देख के बनाया है। तो इस प्रोसेस में जो सबसे पहली चीज़ है वो है आइडिया। तो आइडिया का मतलब ये है कि तुमने किस तरह का बी रोल बनाना है, किस तरह की वीडियो क्रिएट करनी है, या मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस, व्हाट आर यू ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस टू योर ऑडियंस, एंड व्हाट इज द मेन पर्पस बिहाइंड दिस। जब कभी भी आपने बी रोल देखा होगा तो आपने नोट किया होगा उसमें जो है स्लोमो वाले शॉट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल शॉट्स। अब मुझे स्लोमो बनाने के लिए कैमरा चाहिए, लेकिन उस वक्त मैं अपने घर वालों को इस बात पर कन्वेंस नहीं कर सकता था, तो मेरे पास जो आखिरी ऑप्शन था वो था आईफोन। तो फाइनली फिर मैंने आईफोन ले लिया और उसके साथ साथ बी रोल बनाना भी मैंने स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अब मेन इशू एक और था, और वो इशू था लोकेशन का। लोकेशन के मामले में कभी भी कंप्रोमाइज़ मत करना। अगर तुमने कंप्रोमाइज़ कर लिया तो तुम्हारी एक अच्छी वीडियो ख़राब हो सकती है। और जब कभी भी लोकेशन पे जाके शूट करने का नाम आता है तो हम बहाने बनाना शुरू कर देते हैं, तो ये बहाने बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। सेकेंड थिंग इज़ प्रोडक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तुम जो भी बीरोल बना रहे हो वो किस चीज़ के अबाउट है, क्या तुम उसमें कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो या कोई बाइक है या कोई पर्सन के अबाउट है, तो इस चीज़ का भी तुमने ख्याल रखना है। और इस चीज़ का ख्याल तुमने इसलिए रखना है क्योंकि इन चीज़ों के लिए डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट लोकेशंस हो सकती हैं। तुम्हारा शूट इंडोर भी हो सकता है और आउटडोर भी, डिपेंड्स अपॉन दीज थ्री थिंग्स। फोर्थ थिंग इज स्टोरी बोर्ड। पहले भी अपनी वीडियोस में कई बार मैं बता चुका हूँ कि वीडियोस बनाने के लिए स्टोरी बोर्ड यूज़ करो, तो इस वीडियो में मैं सेम यही कहूँगा कि जब भी कोई बीरोल क्रिएट करो तो उसके लिए स्टोरी बोर्ड क्रिएट करो। जब तक मैं स्टोरी बोर्ड नहीं बनाता था तो उसका मुझे ये नुकसान होता था कि जब भी मैं किसी शूट पर जाता था तो मुझे इतना तो पता होता था कि मैंने बनाना क्या है, लेकिन उसको किस तरह बनाना है ये चीज़ मैं वहाँ जाके भूल जाता था। देन आई केम टू क्रिएट द स्टोरी बोर्ड। अब स्टोरी बोर्ड का ये फ़ायदा है कि तुम्हें ये पता लग जाएगा कि तुमने कौन सा शॉट कैसे लेना है, मतलब तुम जब भी लोकेशन के ऊपर शूट करने जाओगे तो तुम एक प्री प्लान शूट कर सकते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा टाइम भी बच जाएगा और तुम एक अच्छा शूट कर सकते हो। अब जो चीज़ मैं सबसे आखिर में बता रहा हूँ तुमने सबसे पहले करनी है, चूज़ अ परफेक्ट म्यूज़िक फॉर योर वीडियो। अब म्यूज़िक सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहली चीज़ तुमने ये करनी है कि उसको पहले अच्छी तरह से सुनो। उसको सुनने के बाद उसका वो स्पेसिफिक पार्ट क्रॉप कर लो जिसके ऊपर तुमने वीडियो क्रिएट करनी है, चाहे वीडियो तुम्हारी 30 सेकंड की है या 45 सेकंड की है या एक मिनट की है। म्यूज़िक सुनते सुनते तुमने कॉपी पेंसिल उठाना है और स्टोरी बोर्ड क्रिएट करना है। अब उस तरह के सीन क्रिएट करो कि जो तुम्हारे आइडिया और तुम्हारी स्टोरी से रिलेट कर रहे हो, म्यूज़िक के साथ भी अच्छी तरह मैच कर रहे हो, मतलब तुमने बीट से खेलना है। तो म्यूज़िक के कौन से पार्ट पर कौन सा शॉट होगा ये सारी चीज़ तुम स्टोरी बोर्ड में पहले से ही ऐड करोगे। सो हियर वाज़ द प्रोसेस बिहाइंड मेकिंग अ बी रोल, कि मैं कोई भी बी रोल कैसे क्रिएट करता हूँ, उसके पीछे मेरी प्लानिंग क्या होती है, मैं किस तरह उसको बनाता हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी अगर आप भी एज ए वीडियोग्राफर बी रोल्स वगैरह बनाते रहते हो। ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करो, और इसके अलावा
और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I do. People say I cannot, I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, never running out, never heading south. I'll be spread-